माइक्रोबायोलॉजी का जो चैप्टर पढ़ा रहे थे बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, तो बैक्टीरिया को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है इसके लिए कुछ वीडियोस बताएं, जैसे बायोकेमिकल टेस्ट बताएं कि बहुत सारे बायोकेमिकल टेस्ट है, जैसे इंडोल टेस्ट, ऑक्सीडेज टेस्ट, कोगुलेज टेस्ट, कैटलेज टेस्ट, ये सारे बायोकेमिकल टेस्ट हैं जो बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने किया जाता है, जिसकी मदद से एक हम ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड सिस्टम भी बताए हैं जिसमें मशीन की मदद से ऑटोमेटिकली किया जाता है, और एक और मेथड है आइडेंटिफिकेशन डिस्क की मदद से भी क्या किया जाता है, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है, ताकि हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करें, मतलब पेशेंट से जो सैंपल लिए उसमें कौन सा बैक्टीरिया वो आइडेंटिफाई कर सके, और पेशेंट को पर्टिकुलर एंटीबायोटिक दिया जा सके ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके, उसके लिए एक और मेथड है आइडेंटिफिकेशन डिस्क की मदद से किया जाता है। तो यही है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए डिस्क। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि आइडेंटिफिकेशन डिस्क को ही हम और क्या बोलते हैं, किर्बी बाय डिस्क भी बोला जाता है, ठीक है। ये एक तरह का डिफ्यूज़न मेथड है और इसको शॉर्ट में केबी टेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसका भी एम क्या होता है, यही कि आइडेंटिफाई करना बैक्टीरिया को, और क्या करना, एंटीबायोटिक सेंसिटिबिलिटी टेस्ट भी करना, मतलब बैक्टीरिया अगर, मतलब पेशेंट में कौन सा बैक्टीरिया है उसको आइडेंटिफाई भी करता है, और ये भी बता, इससे पता चल जाता है कि कौन सा एंटीबायोटिक पेशेंट के लिए सूटेबल है। तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन डिस्क की मदद से, इसी को किर्बी बाय डिस्क भी कहा जाएगा, किर्बी बाय डिस्क डिफ्यूज़न मेथड भी कहा जाएगा, और के बी टेस्ट भी इसी को बोला जाता है शॉर्ट में। और ये आइडेंटिफिकेशन करता है माइक्रोकोकाई स्पीसीज बैक्टीरिया का और स्ट्रेप्टोकोकाई वाले स्पीसीज बैक्टीरिया के स्पीसीज का, मोरेक्सिला वाले का आसानी से कर लेता है। तो इसमें होता क्या है, तो ये प्लेट जो देख रहे हैं ना, ये भी आपका जो है कल्चर प्लेट है, मतलब इस पर भी अगर है और इस पर भी बैक्टीरिया को कल्चर किया जाता है, मतलब बैक्टीरिया ग्रो करता है। बस होता ये है कि ये जो कल्चर प्लेट रहता है इस पर जो छोटा 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 बटन टाइप का दिख रहा है, ये आपका एंटीबायोटिक का डिस्क है। जैसे बहुत सारा एंटीबायोटिक होता है ना, मालूम है आपको, जैसे एम्पिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया, तो अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक के डिस्क को यहाँ पे ऐसे अरेंज कर दिया जाता है, और इसके ऊपर पहले ही, मतलब डिस्क ये खाली रहता है, ठीक है, और खाली रहेगा ना उसी वक्त जो कल्चर किया हुआ बैक्टीरिया था, जो पहले ही कल्चर करवा चुके हैं अगर प्लेट पे, उसी में से थोड़ा सा लेके निडल की मदद से इसके ऊपर स्ट्रीकिंग कर लिया जाता है, और स्ट्रीक करने के बाद ये सारे एंटीबायोटिक के डिस्क को इस पर अरेंज कर दिया जाता है, और फिर बैक्टीरिया का ग्रोथ देखा जाता है, उसको भी इनक्यूबेट किया जाता है इनक्यूबेटर में, और फिर बैक्टीरिया का ग्रोथ देखा जाता है। तो इस तरह से पहले अरेंज, ये खाली रहेगा पहले, फिर इस तरह से एंटीबायोटिक को अरेंज कर दिया जाएगा, और अरेंज करके इनक्यूबेट किया जाएगा, वही 16 से 18 घंटा 24 घंटा के लिए इनक्यूबेटर में 35 to 37 डिग्री सेल्सियस पे इनक्यूबेट कर देंगे। इनक्यूबेट करने के बाद ग्रोथ देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस एंटीबायोटिक के आसपास खाली नहीं है, और ये है, ये है, ये है, और ये है, ये तीन में खाली खाली स्पेस दिख रहा होगा, और ये वाला और ये वाले में दिख रहा होगा कि स्पेस खाली नहीं हुआ है, वैसे का वैसा है। तो होता ये है कि बैक्टीरिया जो इस पे ग्रो करा है ना, तो ये एक मिनट, ये वाले ये वाले ये वाले एंटीबायोटिक के चारों तरफ बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाया है, यानी कि ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को रेसिस्ट कर रहा है, ससेप्टिबल है इसके लिए, मतलब बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर सकता है। तब इससे पता चल जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया है और इसको के लिए कौन सा सूटेबल एंटीबायोटिक है, और ये वाले दोनों बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में आराम से बैक्टीरिया ग्रो कर गया, तो वह ससेप्टिबल नहीं है, वो रेसिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि इस एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में आसानी से बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, तो ये वाला एंटीबायोटिक नहीं दिया जाएगा, यही पता किया जाता है। और ये चीज़ जो है ना, इसके बारे में आपको नेक्स्ट चैप्टर ही पूरा दिया हुआ है, एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट, तो पूरा मेथड उसमें अच्छे से
बताया हुआ है कि कैसे कैसे करते हैं, इसलिए यहाँ पे अच्छे से नहीं बताया कि कैसे लूप का इस्तेमाल करेंगे, निडल का इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि उस चैप्टर में आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके अलग अलग टाइप का मेथड इसमें भी है तो वो पढ़ना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट था इस चैप्टर में, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में ये बता दिए। यही देखिए अलग अलग टाइप का एंटीबायोटिक, इस तरह से ये एंटीबायोटिक का जो डिस्क है वो मार्केट में इस तरह डब्बे में अवेलेबल होता है। ये अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक का अलग अलग डिस्क है, इस पर नाम लिखा रहता है कौन सा कौन एंटीबायोटिक है। अब यहाँ पे लिखा क्या है उसको देख लेते हैं, ये तो देख ही लिए थे, इसको देख लेते हैं। ये एक टाइप का सेंसिटिविटी टेस्ट है जो सेंसिटिविटी और रेसिस्टेंट बैक्टीरिया का पता करता है, यानी कि बैक्टीरिया किसके लिए सेंसिटिव है, रेसिस्ट कर रहा है वो बताता है, और ताकि जो है फिजिशियन जो है सेलेक्ट कर सके प्रॉपर ट्रीटमेंट अपने पेशेंट के लिए। दूसरे पॉइंट में वही दिया हुआ है कि ये यूज़ किया जाता है ये मेथड बैक्टीरिया के ससेप्टेबिलिटी के लिए, पेशेंट से जो जिस पेशेंट को इन्फेक्शन है उससे जो सैंपल लिया गया उसको देखा जाता है कि उसमें कौन सा बैक्टीरिया है, उसको डिटरमाइन किया जाता है ताकि क्लिनिकली अप्रूव एंटीबायोटिक दे सकें, मतलब इससे फिजिशियन जो है डॉक्टर वो है वो अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट कर पाता है पेशेंट का। तो यही है आइडेंटिफिकेशन डिस्क। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक या कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे इसको नेक्स्ट चैप्टर में ये आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है।